करनाल पुलिस ने लूट और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि चाकू के बल पर ट्रक चालकों से लूटपाट कर हत्या करने वाले तीन आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 4 अगस्त को रात के समय एसेंट कार में सवार 5 युवकों द्वारा करनाल के गांव केडवाली में 2 ट्रक वालों से मारपीट की गई थी। इस दौरान आरोपी चाकू और अन्य हथियारों से घायल कर 51,000 रुपये व 1 मोबाइल छीन कर फरार हो गए थे, जिसमें ट्रक चालक नजमुल निवासी गांव जाजूपुरा से 35,000 रुपये, 1 मोबाइल फोन, ट्रक चालक जसबीर निवासी गांव झिंझाना से 16,000 रुपये छीनकर फरार हो गए थे। आरोपियों द्वारा ट्रक चालक नजमुल पर चाकू से कई वार भी किए गए, जिसमें नजमुल बुरी तरह घायल हो गया था। आपको यहां बता दें कि नजमुल के भतीजे साकिब निवासी गांव जाजूपुरा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। उपचार के दौरान नजमुल की मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या करने की धारा को भी जोड़ा। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपियों के धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। तब जाकर पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। सेक्टर 4 ग्रीन बेल्ट से आरोपी गुरुनाम निवासी करनाल, राम सिंह निवासी शिव कॉलोनी करनाल व आरोपी रोहित निवासी सेक्टर 4 करनाल को वारदात में इस्तेमाल एसेंट गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी विशाल निवासी गांव रावर करनाल के साथ मिलकर वारदात को करने का खुलासा किया। अब पुलिस आरोपियों का अदालत से रिमांड हासिल करेगी और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार चौथे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।